दोस्तों कंगूरे कीट तो सभी देखते हैं और बड़े बड़े भवन पर सबका ध्यान जाता है, लेकिन जिस ईंट से भवन का निर्माण होता है वह ईंट बनता कैसे है, चलिए देखिए। यह ईंट का निर्माण हो रहा है और मैं दिखा रहा हूँ, यह मिट्टी काट करके रखी गई है और यहाँ हो रहा है ईंट का निर्माण। यह देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मिट्टी भरा और उसको फिर काटा और यह हो गया ईंट का निर्माण। देखिए पहले सूखी मिट्टी लगाया कि उसमें सटे ना, मतलब चिपक ना जाए, उसके बाद इन्होंने डाला नपे हाथों से और फिर ऐसे काटा और काट करके फिर पटक दिया। यह है, यह काफ़ी मेहनत के बाद लोग सीख पाते हैं। इधर आप देख रहे हैं यह लोग कांवड़ यानी वह लेकर के पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जो बाक लेकर के यह लोग ईंट लाद रहे हैं और इनके बच्चे हैं या गुमला के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं और यह ईंट भट्ठे पर काम करते हुए हमने दिखाया। दोस्तों ऐसे ईंट सुखाते हैं, यह देखिए इधर मैं दिखा देता हूँ, यह ईंट सुखा करके रखा गया है, अभी हम बात भी करते हैं इनसे, उस पर भी हम दिखाएंगे। इधर एक बार देख लीजिए, इसमें मिट्टी रख करके ढुलते हैं, यह खचिया है इसमें एक लगा हुआ, थोड़ा सा इसको दिखाएंगे कैसे चलाते हैं, थोड़ा सा इसको दिखाएंगे कैसे चलाते हैं। देखिए है जुगाड़ गाड़ी, इसमें लोहे का भी प्रयोग किया गया है और थोड़ा सा इसे ही चला के दिखाइए। दो डंडे लगे हुए हैं, खचिया है और एक घिर्री है, एक घिर्री है ऐसे लगा करके, हाँ अच्छा, अरे वाह 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 वाह, तो इसमें तो काफी मिट्टी आ जाती होगी ना। और यह कहाँ बनवाते हैं इसको, कहाँ बनवाते हैं? घर पे ही बना, ये लोहार लोग बनाते हैं ना। अच्छा लोहार लोग बना देते हैं। देखिए यह हमको लग रहा है कि यह क्या लगा है, यह किसी जीप की कमानी उमानी है ना, कमानी है लोहे की कमानी, थोड़ा उठाइए, थोड़ा उठाइए गड़ा, हाँ इसको उठाइए, उसको उठाइए, इसको हाँ थोड़ा सा, नहीं नहीं उठाइए और उठाइए और उठाइए, थोड़ा सा और उठाइए, हाँ वहीं से उठा दीजिए, हाँ यहीं से उठाइए, हाँ देखिए दिखा रहे हैं, यह कमानी लगी हुई है, कमानी में यह घिर्री लगी हुई है, पहिया, और पहिया किस चीज़ की होगी, हो लकड़ी का, अच्छा लकड़ी का पहिया है, लकड़ी का पहिया है और दोनों तरफ डंडा है। क्या नाम है आपका? धनपत। अच्छा एक ईंट का कितना मिलता है? तो ईंट में आप मिट्टी भी बनाते हैं, पाटते भी हैं, और एक ईंट का 60 पैसा होगा। कितना? 60 पैसा। तो ईंट जब निकल गई तो आपका काम खत्म? नहीं सरियाना पड़ता है। अच्छा उसको फिर वह समेटना, खड़ा कर देंगे तब ना मिलेगा। अच्छा खड़ा कर देंगे तो 60 पैसा, मतलब मिट्टी बनाने से लेकर के पाथने से लेकर के खड़ा करने से, खड़ा करने तक यह करेंगे तो इन्हें 60 पैसा मिलेगा। यह है दोस्तों जिसे हमने दिखाया, ऐसे खड़ा करते हैं ना, इस तरह से खड़ा करते हैं। तो एक दिन में कितना ईंट पाथ देते हैं? 500-600 ईंट पाथते हैं, लेकिन यह है कि अगर बारिश हो गई तो फिर इन्हीं का नुकसान होगा। नहीं जब तक खड़ा नहीं कर देंगे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। हाँ। चलिए तो यह रहा, कोरोना काल में तो काफ़ी कम हो गया है ना, यह आप लोगों को भी बच करके रहना है। तो दोस्तों यह दिखाया हमने, महेंद्र जी हैं जो पाथ रहे हैं, अपना काम करिए सर। अच्छा ये लोहा है या क्यों रखा गया है यह वाला? वो साफ करने के लिए है ना। क्या साफ करने के लिए? साफ। अच्छा उसको चिपक जाता है तो साफ करते हैं। इसको देखिए माट लग जाता है ना। हाँ। इसको ये करना होता है ऐसा। अच्छा ऐसा। एक मिनट। हाँ। ऐसा साफ करना होता है। अच्छा अच्छा इस तरह। हाँ। अच्छा ये किस लकड़ी का बनता है सांचा? ये बबूल की। अच्छा बबूल की लकड़ी होती है, तो ये तो वजन होता होगा इसमें। चलिए अब कुछ ईंट पाथिए। दोस्तों देखिए ये है ईंट भट्ठा, और सर्वाधिक श्रम का अगर कहीं काम है तो ईंट भट्ठों पर। और आपका श्रम वाला पंजीयन हुआ है कि नहीं? पंजीकरण है श्रम विभाग में आपका हुआ है कि नहीं महेंद्र भैया? धनपत ना हमारा है। अच्छा धनपत। हाँ तो श्रम विभाग में हुआ है कि नहीं ये अभी नहीं पता है?
और जो श्रम विभाग के लोग हैं उनको भी इसकी चिंता नहीं है कि ईंट भट्टे पर कैसे काम करते हैं, और असली मजदूर हैं ये लोग। तो दोस्तों, यह मैंने दिखाया आपको, और मैं अपने गृह गांव पर बना हुआ हूँ साइकिलिंग करते हुए। इधर हमारी दृष्टि गई तो यह कोई मूड नहीं बनता है देख करके, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मन बना दिया, देखा और फिर मन बन गया। यह देखिए ईंट की पथाई हुई है, अब मैं दिखाता हूँ मिट्टी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। देखिए मिट्टी बना करके ले आए हैं और इसे फिर इसे पाथेंगे। ऐसे देखिए मिट्टी लाद रहे हैं, यह है जुगाड़। कहा नाम है तुम्हार? शंभू। शंभू भैया कहाँ के रहने वाला हुआ? वाणी साहब, जिला गाजीपुर, घर पड़ी बहादुरगंज। अच्छा, बहादुरगंज का हुआ रहने वाला, ठीक है। लादा लादा शंभू भाई हैं। यह है देसी जुगाड़, और यह है जो आज भी मेहनत कस लोग हैं, किस तरह से मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं उसे हम दिखा रहे हैं दोस्तों। अब आप इसे एक बार देखिए, स्कूटर के चक्के जैसे हैं, हालांकि स्कूटर का ही चक्का होगा यह। हाँ, और इसमें देखिए बैरिंग भी लगी हुई है। तो यह रहा चक्का, और यह रहा मिट्टी डालने का, और उधर लकड़ी के दो लगे हुए हैं जिसको हथौटा, तो उसको उठाएंगे। लाद दिए? हाँ। चलिए ले आइए, धीरे 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 धीरे। शंभू भाई की जय हो। ये देखिए पलट दिया। अब ये है कि इनके हाथों में उस तरह से दम है, आप पलट नहीं पाएंगे, आपको पलटने में काफ़ी दिक्कत होगी। यहाँ पानी पंप सेट से आ जाता है, पंप सेट से पानी आता होगा ना? हाँ, पंप सेट से आता है। देखिए इस पर पहले ऐसी मिट्टी डाला है जो गीली ना हो, फिर बाद में इस पर गीली मिट्टी डाल रहे हैं फावड़े से। यह है फावड़ा, शंभू भाई एक दिन में कितना ईंट पाते हैं? 1000 कर देते हैं, 750 रुपये काम कर देते हैं, 750 रुपये का काम करते हैं। कई घंटा लगता है सब करने में? बाबू लग जाएगा, ये 10 बजे आ जाएगा, 10-11। अच्छा, मिट्टी बनाने से लेकर के ईंट पाथने और ईंट को करीने से सजाने, मतलब ईंट तभी सूखेगा जब करीने से उसे सजाया जाएगा। ये देखिए अब लेकर के जाएंगे, इसे भी आप देख लीजिए। देखिए इन्होंने पलट दिया, अब गाड़ी लेकर के आएंगे। या देखिए जिस तरह से लोग अपने अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं तो उनको लगता होगा कि ईंट कैसे बनी है, ईंट का निर्माण कैसे हुआ। कंगूरे की ईंट तो सभी देखेंगे, लेकिन इस ईंट को कौन देखेगा, और इस श्रम को कौन देखेगा कि कितना पसीना बहने के बाद तो यह ईंट तैयार हुई होगी, और जिस ईंट से हमारे घर का निर्माण हुआ। देखिए अभी एक लकड़ी की लकड़ी का पहिया है यह, देखिए, और यह बांस का है दोनों तरफ, यह भी बांस रख दिया गया। जुगाड़ है पूरा पूरी तौर पर, और गांव के इंजीनियर लोगों ने इसे बनाया है। गांव के इंजीनियर कौन है? बढ़ई, अथवा जो बढ़ई का काम करते हैं वो गांव के इंजीनियर हैं। अभी सब मैं दिखा रहा हूँ, जो भट्टे वाले होंगे वो अभी हड़केंगे कि पता नहीं दुबे जी क्या आए थे भैया, कुछ ऐसा नहीं ना है कि हमारे खिलाफ कुछ हो जाएगा, तो वो लोग भी हड़कते हैं। अब यह है कि कहीं गड़बड़ होता है तो मैं समझाता हूँ उन लोगों को, और डरने के मूल में है कि हमारा कोई माइनस नहीं है कभी है। सब देखिए इसे भी आप देख रहे हैं,
तो दोस्तों यह देखा आपने, यह बाहर से मिट्टी आई है, इसमें सांप भी रह सकते हैं और यही सब ठिकाना होता था खरगोश और लोमड़ी इत्यादि इत्यादि जीवों का। इधर सांप वो पाते हैं कि नहीं समूह भैया? आते हैं ना। कौन सा सांप आता है? गोमल आता है। अच्छा, भागी जाती है, करे जाती है, लागे भी आ जाती है। अच्छा, अरे नहीं मारना चाहिए। अरे काट लिया होता, नहीं काट लिया होता ना। हाँ। इसमें भी सांप आ सकता है, देखिए। हाँ। कंदरा बना हुआ है, इधर से ही पानी आता है तो सांप इसमें भी आ सकता है। तो ये लोग देखिए इस तरह से है, और मैंने दिखाया दोस्तों। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। शुभकामना, धन्यवाद सभी के प्रति, सादर नमस्कार।